कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनने का मामला अभी शांत नहीं हुआ है। शिवमोगा और उडुपी के स्कूलों में कुछ छात्राओं को अलग कमरे में बैठने के लिए कहा गया, क्योंकि इन छात्राओं ने बिना हिजाब पहने परीक्षा देने से इनकार कर दिया था। उधर आपको बता दें, कर्नाटक के ही जिले में कर्नाटक पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। स्कूलों के बाहर खड़े अभिभावकों ने बताया कि सूत्रों के अनुसार स्कूल प्रशासन ने छात्रों को बिना हिजाब के परीक्षा में बैठने को कहा। कुछ छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी क्योंकि उन्हें हिजाब के साथ स्कूल परिसर में प्रवेश करने से मना कर दिया गया था। एक छात्रा ने यहां तक भी कह दिया, मैं हिजाब नहीं हटाऊंगी, मैं पहले केवल हिजाब के साथ स्कूल जाती थी। स्कूल प्रशासन ने हमसे कहा था कि या तो हिजाब हटाओ या जगह छोड़ दो, उन्होंने हमें हिजाब पहनकर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। वहीं एक अन्य छात्र ने कहा कि मैं ये स्कूल और अपनी परीक्षा छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे अपना हिजाब हटाने के लिए कहा गया था। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट से हमेशा वाकिफ रहने के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।